Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Paul Ricoeur. So friends, he was a Marxist critic and included under literary theory. Before beginning this lecture, I want to recommend you that if you are listening this channel's lectures for the first time, so I have made a separate video lecture in which I have discussed Marxism background in detail. So I recommend you to please visit my channel's playlist and clear your concept about what Marxism is, and then I suggest you to listen this lecture. Now I am starting proceeding with the lecture. So Paul Ricoeur was a Marxist critic, and before beginning this, I want to tell you that I am explaining everything in a bilingual language, Hindi as well as in English. सो जीन पॉल गुस्ताव रिकूर, कि इनका पूरा नाम था जीन पॉल गुस्ताव रिकूर. ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर बेस्ट नोन फॉर कंबाइनिंग फिनोमिनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन विथ हर्मिन्योटिक्स. कि मतलब ये जो थे, ये फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने जो है कंबाइन किया फिनोमिनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को हर्मिन्योटिक्स के साथ. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 27 जनवरी 1913 इन वैलेंस, दैट इज़ अ प्लेस इन रोम. देन ही डाइड इन 20 मई 2005 चैटने मेलब्री फ्रांस. एंड ही इन्फ्लुएंस जैक्स डेरिडा, मॉरिस मर्लाउ पोंटी, मिखेल हेनरी, रिचर्ड कियर्ने. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको जो है, इन डेट्स को याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब इसमें मेंशन कर दिया इस लेक्चर में. सो सिर्फ आप इसको मतलब ये रिमेंबर रखना कि ये जो थे, इन्होंने जैक्स डेरिडा को जो है इन्फ्लुएंस किया था, बस ये नाम याद रखना. एंड देन मॉरिस मर्लाउ पोंटी, माइकल हेनरी, रिचर्ड कियर्ने, एंड ये जो किन से ये खुद इन्फ्लुएंस थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्टिन हेडिगर, इमैनुअल कांट, हंस जॉर्ज गैडिमर एंड एरिस्टोटल. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम ओनली एंड हियर दिस नेम. सो देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्सेप्ट्स. सो ही हैज़ गिवन वन कॉन्सेप्ट एंड द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट इज हर्मिन्योटिक्स ऑफ सस्पिशन. Hermeneutics of suspicion. Please remember this. Hermeneutics of suspicion. कि इसका क्या मतलब होता है? Hermeneutics का मतलब होता है theory of suspicion. अब ये क्या है theory of suspicion, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. This phrase was coined by, कि ये जो phrase है hermeneutics of suspicion, ये एक phrase है. ये coin किसने की थी? ये की थी पॉल रिकूर ने. इस फ्रेज को जो है कॉइन किया था, इन विच इस मतलब इस कॉन्सेप्ट को देते समय उन्होंने बात की मतलब जो 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 कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स हैं, सिगमंड फ्रॉयड की राइटिंग्स हैं, और साथ साथ फ्रेडरिक नीशे की राइटिंग्स हैं, उनको जो है इनकी राइटिंग्स को जो है इस वर्क में हर्मिन्योटिक्स ऑफ सस्पिशन में, यानी थ्योरी ऑफ सस्पिशन में जो है पॉल रिकूर ने इनकी राइटिंग्स के बारे में बात की थी, जिनमें इंक्लूड होते हैं कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड और साथ ही साथ फ्रेडरिक नीशे. देन दे ऑल लुक इनटू सोशल फिनोमिना. कि वो बताते हैं, पॉल रिकूर बताते हैं कि जब भी ये किसी मतलब जब भी ये जो है इंटरप्रेट करते थे, यानी कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड, फ्रेडरिक नीशे, ये जब भी मतलब किसी के वर्क्स को इंटरप्रेट करते थे, तो ये उनमें जो है मतलब सोशल फिनोमिना, यानी सोसाइटी से डील करने वाली चीज़ों को जो है उन राइटिंग्स में ढूंढा करते थे. जब भी ये कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड एंड फ्रेडरिक नीशे, जब भी ये किसी के वर्क्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे, तब ये उनमें जो है सोशल फिनोमिना, यानी सोसाइटी से डील करने वाली चीज़ों को जो है उसमें जो है मतलब देखा करते थे, और फिर उनको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे, और गहराई तक जाकर उनके मतलब गहराई तक जाकर जो है मीनिंग्स डिकोड करने की कोशिश करते थे.
दे ऑल लुक इन टू सोशल फिनोमिना एंड ट्राई टू इंटरप्रेट हिडन लेयर्स ऑफ मीनिंग, कि मतलब जो भी मतलब ये जब भी किसी के वर्क्स को इंटरप्रेट करते थे कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड, फ्रेडरिक नीचे, तब ये उनके वर्क्स में जो है सोसाइटी से डील करने वाली चीज़ों को देखते थे, साथ ही साथ उनको जब ये इंटरप्रेट करते थे उनके वर्क्स को जब ये इंटरप्रेट करते थे किसी भी राइटर के वर्क्स को जब ये इंटरप्रेट करते थे तब इतनी गहराई तक, इतने डेप्थ तक जाकर जो है ये उनके वर्क्स को इंटरप्रेट करते थे और साथ ही साथ मीनिंग्स को जो है फाइंड आउट करते थे कि इस मतलब इस लाइन का क्या मतलब है. सो ये सब चीज़ें जो है जब भी इंटरप्रेट करते थे तब ये इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को जो है फाइंड आउट करते थे. देन फॉर कार्ल मार्क्स वेन एवर अ टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड, अब ये बताते हैं कि जब कार्ल मार्क्स जब टेक्स्ट को जब देख मतलब एक टेक्स्ट को जब इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे तब ये उनमें क्या क्या चीज़ें मतलब इंटरप्रेट करते थे कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी है, मतलब जिस मतलब जब भी ये किसी राइटर के वर्क्स को एनालाइज करने की यानी इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे तो उसमें कार्ल मार्क्स उनके टेक्स्ट में क्या क्या मतलब एलिमेंट्स निकालते थे. पहले तो जो है कार्ल मार्क्स उनके वर्क्स में ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी है, लुक हाउ द सोसाइटी एंड उस टाइम का क्लास सिस्टम कैसा है इस और ये देखते थे कि मतलब वो टेक्स्ट जो है किस तरह से सोसाइटी और क्लास सिस्टम को जो है मतलब अफेक्ट कर रहा है, ऐसा पॉल रिकूर का कहना है. देन फ्रेडरिक नीशे सी द पावर रिलेशन, और जब फ्रेडरिक नीशे जो है जब भी टेक्स्ट को एनालाइज करते थे तो उसमें ये क्या क्या चीज़ को जो है फाइंड आउट करते थे, उनमें ये जो है पावर रिलेशन को फाइंड आउट करते थे दैट इज़ ऑपरेटिंग बिहाइंड द सीन, कि जब भी ये टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे तो उस टेक्स्ट में जो है ये पावर रिलेशंस को ढूंढते थे कि किस तरह से जो है लोग एक दूसरे के रिलेशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं. देन सिगमंड फ्रॉयड लुक एट सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, कि सिगमंड फ्रॉयड क्या मतलब सिगमंड फ्रॉयड जब भी टेक्स्ट को एनालाइज करते थे तो वो उनमें क्या क्या चीज़ें देखते थे, ऐसा पॉल रिकूर बताते हैं. सिगमंड फ्रॉयड जो है उनके जो है जब भी एक ऑथर का कभी भी मतलब टेक्स्ट को एनालाइज करते थे सिगमंड फ्रॉयड तो उसमें जो है उनके मतलब कि उनके मेंटल फंक्शनिंग को देखते थे कि एक ऑथर जब भी टेक्स्ट लिख रहा है तो उसके माइंड को जो है ये एनालाइज करने की कोशिश करते थे. सिगमंड फ्रॉयड लुक एट द सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग इन माइंड ऑफ ऑथर और करेक्टर, कि जब भी सिगमंड फ्रॉयड एक किसी भी ऑथर के टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते थे तब ये उस चीज़ उनके वर्क्स में जो है ऑथर के माइंड में मतलब मेंटल स्थिति कैसी है उस चीज़ को ये एनालाइज करते थे और इंटरप्रेट करते थे, जो ऑथर ने जिस करेक्टर को मेंशन किया उसके माइंड को स्टडी करते थे. सिगमंड फ्रॉयड ही लुक्स एट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो है इस पर सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है. सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर आप ये ज़रूर सुनना कि साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है. नाउ दे ट्राई टू इंटरप्रेट द हिडन लेयर ऑफ मीनिंग, कि अब वो बताते हैं कि ये तीनों राइटर्स कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक नीशे एंड सिगमंड फ्रॉयड इनका क्या काम था कि ये जब भी किसी भी ऑथर के टेक्स्ट को जब एनालाइज करते थे तो उसमें ये किस चीज़ को इंटरप्रेट करते थे कि उनके जो टेक्स्ट में जो भी ऑथर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया टेक्स्ट है उनके ये जो है हिडन लेयर ऑफ मीनिंग को जो है मतलब इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे कि मतलब एक ऑथर जब भी टेक्स्ट लिख रहा है तो वो मतलब उनकी उसके माइंड की गहराई तक जाकर जो है मीनिंग्स को जो है इंटरप्रेट किया करते थे सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक नीशे. देन दे फॉरगेट ऑथर्स इंटेंशन. सो इस इंटरप्रिटेशन के चक्कर में ये क्या करते थे कि जब भी ये इंटरप्रेट करते थे उस टाइम पर ये ऑथर के इंटेंशन की मतलब ऑथर के इंटेंशन को भूल जाते थे कि ऑथर खुद क्या कहना चाह रहा है,
ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऑथर के कंस्ट्रक्ट किए गए टेक्स्ट पर हिडन लेयर ऑफ मीनिंग को फाइंड करना चाहते थे, बट ऑथर क्या कहना चाह रहा है ये उस चीज़ को नहीं, मतलब ये उस चीज़ को भूल जाते थे कि ऑथर जब है एक टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है तब वो क्या कहना चाहता है उस टेक्स्ट के थ्रू। ये तीनों जो कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड हैं ये ऐसा ना करके ये हिडन लेयर ऑफ मीनिंग्स को जो है ढूंढने की कोशिश करते थे टेक्स्ट को जब भी एनालाइज करते थे या फिर इंटरप्रेट करते थे, कि दे फॉरगेट ऑथर्स इंटेंशन कि वेन ही वॉज अलाइव इज टोटली डिफरेंट, कि जब भी ये टेक्स्ट को एनालाइज करते थे तब ये भूल जाते थे कि ऑथर क्या कहना चाहता है अपने टेक्स्ट में, तो और ये भी नहीं सोचते थे कि क्या वो जिंदा भी है, जिस ऑथर ने जो लिखा है टेक्स्ट वो जिंदा भी है, और मतलब उनसे मतलब जो ऑथर कुछ मतलब अपने टेक्स्ट में जो कहना चाहता है ये वो ना कहकर जो है अपनी तरफ से जो है लेयर्स मीनिंग की लेयर्स को जो है फाइंड आउट करते थे। तो पॉल रिकूर का कहना है देयर इंटरप्रिटेशन इज सस्पिशियस, कि मतलब जो भी कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड और साथ ही साथ फ्रेडरिक नीशे जो भी ये अपने इंटरप्रिटेशन देते थे किसी भी ऑथर के वर्क पर, तो ये पॉल रिकूर से बताते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशंस में ना पॉल रिकूर को जो है डाउट लगता है कि जो भी वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड फ्रेडरिक नीशे, सो उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी सस्पिशियस है। और वो फिर ये भी बताते हैं मतलब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि उन्होंने जो एनालिसिस दिया है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के वर्क्स पे कि क्या वो उनकी इंटरप्रिटेशन मतलब सही है या नहीं। देन देयर इंटरप्रेटिव अप्रोच इज़ करेक्टराइज एज सस्पिशियस, कि मतलब पॉल रिकूर कहते हैं कि जब भी सिगमंड फ्रॉयड कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक नीशे जब भी किसी भी ऑथर के वर्क को इंटरप्रेट करते थे तो एक तो पहले वो बताते हैं कि वो मतलब उनको जो है पॉल रिकूर को जो है इन तीनों राइटर्स की इंटरप्रिटेशन में डाउट लगता है, और फिर और साथ ही साथ ये भी मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं कि वो जो एनालाइज कर रहे हैं किसी भी ऑथर के बारे में कि उनके एनालिसिस यानी कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड के एनालिसिस दिए गए एनालिसिस किसी ऑथर के वर्क पे सही है या नहीं। फिर वो बताते हैं कि द इंटरप्रेटिव अप्रोच इज़ करेक्टराइज एज सस्पिशियस, कि मतलब इन लोगों के इन तीनों राइटर्स के इंटरप्रेट करने की अप्रोच को पर जो है पॉल रिकूर को जो है सस्पिशन होता है डाउट होता है बिकॉज ऑफ द लाइकलीहुड दैट ऑथर माइट स्टैंड अप, कि मतलब ऐसा सोचना है पॉल रिकूर का कि अगर जिन वर्क्स को कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड और फ्रेडरिक नीशे जब भी मतलब जिन वर्क्स को जो ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के वर्क को ये तीनों राइटर्स इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो पॉल रिकूर का ऐसा कहना है कि मतलब अगर ऑथर जिंदा होता तब वो खड़े होकर बता सकता कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये नहीं था जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ द लाइकलीहुड दैट ऑथर माइट स्टैंड अप एंड से नो नो दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन। सो फिर ये बताते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस पॉल रिकूर बताते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस हॉस्टिलिटी बिटवीन इंटरप्रेटर एंड द ऑथर, कि मतलब कि हमेशा जो है हॉस्टिलिटी यानी लड़ाई चल रही होती है टग ऑफ वॉर चल रहा होता है कि जो ऑथर क्रिएट करता है और जो इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करता है अपने वर्ड्स में, कि क्या वो मतलब उस पर मतलब पॉल रिकूर सस्पिशन करते हैं अपना डाउट करते हैं कि क्या ऑथर जिस इंटेंशन से लिख रहा था उस इंटेंशन से इंटरप्रेट उसे सही ढंग से इंटरप्रेट कर रहा है या नहीं। सो इट माइट बी सस्पिशियस दैट ऑथर माइट बी एग्री विद द मीनिंग ऑथर्स आर ट्राइंग टू डिवाइस, कि मतलब वो कहना चाहता है पॉल रिकूर कहना चाहते हैं कि ये मेरे को पूरी तरह से ये जो तीनों राइटर्स जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड फ्रेडरिक नीशे इनका इंटरप्रिटेशन जो है मुझे डाउट होता है कि मतलब दैट ऑथर माइट बी एग्री, कि अगर एक मतलब वो ऑथर जिनके वर्क्स को ये तीनों राइटर्स इंटरप्रेट करते हैं अगर वो ऑथर जिंदा होता तो वो क्या एग्री हो पाता कि जो जिस तरह से ये इंटरप्रेट कर रहे हैं मीनिंग्स को इन, तो क्या वो मतलब ऑथर अगर जिंदा होता तो इन तीनों राइटर्स की अगर इंटरप्रिटेशन को चेक करता तो वो क्या एग्री करता इनसे। दैट ऑथर माइट बी एग्री विद द मीनिंग ऑथर्स आर ट्राइंग टू डिवाइज
फिर बताते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स, ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन थिंग्स, कि मतलब जो हम देखते हैं टेक्स्ट में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, यानी खाली छोड़ दिया जाता है और किसी चीज़ पे जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है और अजम्पशंस की जाती है। दे प्रोवाइड इंटरप्रेटर, कि मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें ब्लाइंड स्पॉट्स, ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन थिंग्स, फिक्टिशियस थिंग्स, अजम्पशंस, तो ये इन चीज़ों से क्या होता है, इंटरप्रेटर जो भी मतलब किसी ऑथर के वर्क को इंटरप्रेट करते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरप्रेटर। सो पॉल रिकोर बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रेटर को हेल्प करती है, हेल्प प्रोवाइड इंटरप्रेटर और आइडिया प्रोवाइड करती है कि वेदर कि वॉट एवर ऑथर इज़ ट्राइंग टू डेवलप आउट ऑफ द एक्चुअली नॉट इंटेंडेड बाय द ऑथर। कि मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स, ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन थिंग्स, फिक्टिशियस थिंग्स, अजम्पशंस, दे प्रोवाइड इंटरप्रेटर एंड आइडिया वॉट एवर ऑथर इज़ ट्राइंग टू डेवलप आउट ऑफ द एक्चुअली नॉट इंटेंडेड बाय द ऑथर। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन थिंग्स, फिक्टिशियस थिंग्स और अजम्पशंस, अपने आप से इंटरप्रेटर जो है अज्यूम करने लग जाते हैं कुछ भी, तो इनसे क्या होता है इंटरप्रेटर को जो है आइडिया मिलता है कि मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है, भले ही वो जो है ऑथर के हिसाब से अगर ऑथर जो रियली में अगर ज़िंदा होकर उनके वर्क्स को इंटरप्रेट करे तो क्या पता वो उसमें गलतियाँ निकाल दे। बट मतलब पॉल रिकोर ये कहना चाहते हैं कि मतलब इन सभी से जो है ब्लाइंड स्पॉट्स, ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन थिंग्स, फिक्टिशियस थिंग्स और अजम्पशंस, इन सब से जो है ये इंटरप्रेटर को जो है वे प्रोवाइड करती है चीज़ों को इंटरप्रेट की, मतलब ऑथर जो है क्या सोच रहा है। देन दे डिटेक्ट इन अ टेक्स्ट सिम्टम्स फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली डिड्यूस द कंडीशन ऑफ द ऑथर। कि मतलब जो है ऑथर जब भी एक टेक्स्ट को लिखता है तो वो जो है कुछ ना कुछ जो है अपनी मेंटल स्थिति के बारे में जो है सिम्टम्स उस टेक्स्ट में जो है कुछ ना कुछ जो है क्रिएट कर देता है ताकि जो है इंटरप्रेटर को जो है इंटरप्रेट करते समय आइडिया लग जाए, ऐसा पॉल रिकोर का कहना है। दे डिटेक्ट इन अ टेक्स्ट सिम्टम्स फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली डिड्यूस द कंडीशन ऑफ द ऑथर वेदर ऑथर इंटेंटेड टू रिवील दैट और नॉट। Then you understand the personality type of the author only by knowing the text. कि आपको जो है आप जब उस टेक्स्ट को पढ़ोगे तब आपको जो है ऑथर के पर्सनैलिटी के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। इन स्पाइट ऑथर माइट नॉट हैव हिंट ऑफ दैट सॉर्ट इन द टेक्स्ट। कि मतलब जब भी आप एक किसी ऑथर के वर्क को रीड करोगे, उसके टेक्स्ट को पढ़ोगे, तब आपको साथ ही साथ जो है ऑथर की पर्सनैलिटी की, ऑथर किस पर्सनैलिटी का है उसके बारे में पता चलेगा, और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि ऑथर माइट नॉट हैव हिंट ऑफ दैट सॉर्ट इन द टेक्स्ट, और साथ ही साथ जो है ये भी पता चलेगा कि उस चीज़ का जो है ऑथर ने हिंट नहीं दिया ऑफ दैट सॉर्ट इन द टेक्स्ट। देन देयर अटेम्प्ट वॉज टू डिकोड द मीनिंग दैट वॉज डिस्गाइज्ड। कि मतलब इंटरप्रेटर का क्या काम होता है कि मीनिंग्स टेक्स्ट के जो है मीनिंग्स को जो है अंडरस्टैंड करके उन्हें डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना, जो कि टेक्स्ट की हिडन लेयर्स में जो है छुपा हुआ है। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, उनका काम होता है कि जो भी ऑथर ने टेक्स्ट को क्रिएट किया है उसके मीनिंग्स को जो है अंडरस्टैंड करके एक अच्छा इंटरप्रिटेशन देना, और वो जो मीनिंग है वो टेक्स्ट के जो है बीच में छुपा रहता है उसको जो है फाइंड आउट करना, मीनिंग्स और उन मीनिंग्स को फाइंड आउट करना जो कि हमारे सामने डायरेक्टली प्रेजेंटेड नहीं है, तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है। सो दे हेल्ड टेक्सुअल अपीरेंसेज एज डिसेप्टिव। फिर पॉल रिकोर बताते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, मेरे को ये डिसेप्शन लगती है, मतलब धोखा लगता है कि सही में जो ऑथर कहना चाहता था इंटरप्रेटर उस हिसाब से डिकोड कर पा रहे हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे। दे हेल्ड टेक्सुअल अपेरेंसेज एज डिसेप्टिव, टेक्स्ट डू नॉट ग्रेसफुली रेलिंक्विश देयर मीनिंग। कि मतलब पॉल रिकोर जो है सस्पिशियस है इस चीज़ को लेके, उनके इंटरप्रिटेशन को लेकर सस्पिशियस है, कि कहा जाता है कि मतलब टेक्स्ट जो है एक सही वे में मीनिंग्स हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते किसी टेक्स्ट के, हम उस ऑथर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस टेक्स्ट को एनालाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो है ऑथर अपने वे से लिखता है और इंटरप्रेटर जो है अपने वे से सोच के उस चीज़ को जो है इंटरप्रेट करता है, तो इस चीज़ पर जो है पॉल रिकोर को डाउट होता है। टू डिस्क्राइब अ मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन,
that adopts a distrustful attitude towards the text in order to elicit otherwise inaccessible meaning or implication. To describe a mode of interpretation that adopts a distrustful attitude, कि मतलब कि उन्हें जो है ये इंटरप्रिटेशन का तरीका जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल लगा, उन्हें विश्वास ही नहीं होता. इन ऑर्डर टू मतलब टेक्स्ट को जो है टेक्स्ट को जब भी इंटरप्रेट कर एक कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रॉयड ये जब इंटरप्रेट करते हैं तो ये कुछ भी मीनिंग को जो है टेक्स्ट से मतलब फाइंड आउट करके जो है इंटरप्रेट करते हैं अपने वे से. तो पॉल रिकोर कहते हैं ये सब मतलब डिस्ट्रस्टफुल है और बिन मतलब इनएक्सेसिबल मीनिंग निकाला जा रहा है. ऑथर कुछ और कहना चाहता है बट ये इंटरप्रेटर जो है कुछ और अपने आप से मीनिंग निकाल रहे हैं. और इफ़ दे ट्राई टू ट्रस्ट दे आर अनेबल टू फाइंड इनएक्सेसिबल मीनिंग. और फिर जब वो ट्रस्ट करने भी लग जाएंगे तो फिर वो जो मीनिंग है सही तरीके का जिस हिसाब से जब ऑथर कहना चाहता है वो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे. दे डिस्ट्रस्ट एक्चुअल मीनिंग एंड गो इन टू हिडन लेयर्स ऑफ टेक्स्ट. कि मतलब वो जो है इंटरप्रेटर्स जो है सही तरीके के मीनिंग को जो है विश्वास ही नहीं करते, एक्चुअल मीनिंग को विश्वास ही नहीं करते. वो एक ऑथर के वर्क को जब रीड करते हैं तो वो हिडन लेयर्स तक पहुंच जाते हैं, उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए उसकी डेप्थ तक जाते हैं. और फिर क्या होता है इस चीज़ पर जो है पॉल रिकूर को जो है शक होता है कि जो भी उन्होंने इंटरप्रेट किया है तो सही ढंग से किया है या नहीं. जो उन्होंने एनालाइज किया है उनके टेक्स्ट को पढ़कर डेप्थ तक जाकर वो मतलब उन्होंने सही किया है या नहीं. दे डिस्ट्रस्ट एक्चुअल मीनिंग एंड गो इन टू हिडन लेयर्स ऑफ द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू फाइंड इनएक्सेसिबल मीनिंग. वो जो है इंटरप्रेटर्स हमेशा इनएक्सेसिबल मीनिंग की तरफ जाते हैं, टेक्स्ट के मतलब गहराई तक जाकर जो है इनएक्सेसिबल मीनिंग को ढूंढने की ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है. विच द राइटर वुड नॉट हैव इंटेंटेड टू रिवील, जो कि राइटर ने कभी रिवील करने की कोशिश ही ना की हो. ये सारे राइटर्स जो है सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक नीशे ये टेक्स्ट को पढ़कर जो है उनका एक्चुअल मीनिंग ना जानकर उनके डेप्थ तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, जिससे क्या होता है इनएक्सेसिबल मीनिंग प्रोड्यूस होता है जो कि राइटर ने जो है लिखते समय कभी रिवील करने की कोशिश ही ना की हो, ऐसा पॉल रिकूर का कहना है. सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. एंड फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग.